यश को केजीएफ फिल्म में जगह। क्या है यश का असली नाम? बॉलीवुड के किस हीरो से इंस्पायर्ड है यश? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज। प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म केजीएफ की आंधी ने बॉक्स ऑफिस के सारे पिछले रिकॉर्ड्स मिट्टी में मिला दिए। जब से डायरेक्टर ने केजीएफ 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में इसके अगले पार्ट की झलक दिखाई है, तब से ही फैंस को केजीएफ 3 का बेसब्री से इंतजार है। वो जानने को बेताब है कि आखिर कब उनके रॉकी भाई बड़े पर्दे पर वापस लौटेंगे। केजीएफ की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है मूवी के हीरो यश का। हम सबके चहेते यश को केजीएफ के पहले कोई नहीं जानता था। जी हाँ, तो फिर आखिर कैसे इस डायनामिक एक्टर को प्रशांत नील ने ढूंढ निकाला? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें जाना होगा फ्लैशबैक में। जी हाँ, प्रशांत नील ने जब केजीएफ की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की तो वो एक ऐसा चेहरा ढूंढ रहे थे जिसमें एटीट्यूड, प्यार और गुस्सा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। और एक्टर्स की तलाश करते वक्त उन्होंने यश की फेमस मूवी गुगली देखी, जिसमें उन्हें यश की एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई। आपको बता दें कि जिसके बाद प्रशांत ने डिसाइड किया कि उनके फिल्म के लीड एक्टर यश ही होंगे। अब एक ऐसा सवाल जो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ, जिसका जवाब शायद ही आपको पता हो, वो ये कि यश का असली नाम क्या है? नहीं जानते हम, है ना? बताने के लिए तो आपको बता दें कि साउथ के सुपरस्टार यश का असली नाम है नवीन कुमार गोपटा। जी हाँ दोस्तों, हमारे रॉकी भाई का असली नाम नवीन है। दरअसल यश के बर्थडे के बाद उनके दो नाम रखे गए थे। पहला उनका लीगल नाम नवीन और दूसरा जिससे उनकी माँ उन्हें पुकारती थी, वो है यश। जब उन्होंने एक्टिंग करना शुरू किया तो लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें नवीन कुमार की जगह कोई स्क्रीन नेम रखना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने यश को ही अपना ऑफिशियल स्क्रीन नेम के तौर पर चूज किया। अब बात करते हैं कि कौन है वो जिसे अपने इंस्पिरेशन मानते हैं रॉकी भाई। सुपरस्टार यश के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। जी हाँ दोस्तों, यश ने रिवील किया है कि उन्होंने अमिताभ बच्चन की 70s की फिल्म देख के ही केजीएफ में अपनी पर्सनालिटी को तैयार किया था। आपने तो बिग बी की कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जहाँ उनका कैरेक्टर हर सिचुएशन से लड़कर आगे बढ़ जाता है। यश ने भी उन्हीं फिल्मों से इंस्पायर्ड होकर रॉकी के कैरेक्टर को समझा था, जिसके बाद उन्होंने केजीएफ में जैसा प्रदर्शन किया है उससे तो हम सभी अच्छे से वाकिफ ही हैं। खैर, केजीएफ के तीसरे चैप्टर के लिए अभी फैंस को थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। फिलहाल अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप केजीएफ 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। और बॉलीवुड से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को देखना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।